थोड़ा परिचय दें। मैं केशव अत्रे। तो पहले वैसे इंदौर ये प्रिय शहर है, मेरी पुरानी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, अभी वैसे मैं हैदराबाद रहता हूँ, यहाँ आता रहता हूँ। तो मैं यहाँ 70 से 77 78 तक रहा मैं, 7-8 साल। वो इंदौर और अब इंदौर में जमीन आसमान का फर्क है। वो इंदौर की पुरानी यादें आज भी है कि ठंडी का माहौल, टांगे चलना, घोड़े चलना, वो 3 टेम्पो आजकल तो दिखते नहीं वो वाले, उसमें हम सवारी करते थे। इंदौर शुरू से खाने का शहर था। कोठारी मार्केट के पास एक छोले वाला था, उसके चाट छोला इतना फेमस था कि आदमी खाना यहाँ आए तो वो खाना जरूर रहता था। छावनी में पानी पूरी वाला, जिसको पुचका बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, वो बहुत बहुत फेमस। चाट वो कोठारी मार्केट में छोले टिकिया वाला था, वो मंगूड़ी बनाता था, उसकी चाय देता था। और जैसे डॉक्टरों में डॉक्टर अकबर अली था और दो डॉक्टर मुखर्जी करके था, ये फेमस थे उस टाइम पे। कुछ भी हो जाए इनके पास जाओ। MY हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल था बड़ा। तो कुछ चीज़ें ऐसी इंदौर के खान पान के लिए, जैसा प्रभात भोजनालय का खाना, सिंपल खाना उस टाइम पे 30 रुपये थाली देते थे, 20 रुपये थाली। वो खाना आज भी दिमाग में लगा कि सही में वो खाना सही था। इंदौर में पहली बात तो शुरू से ही कांच महल, शीश महल फेमस थे। तो सराफा मार्केट के वहाँ जो कचौरी वाले हैं, समोसे वाले हैं, उनके यहाँ 4 बजे से टाइमिंग जो शुरू होता था, ऐसे समोसे का कहीं एटमास पर नहीं था। समोसे, कचौरी, चाट, वो उस टाइम पे विजय चाट भी शुरू हो गया था। विजय चाट आज जो फेमस है, तो विजय चाट शुरू से फेमस था। उनकी क्वालिटी में कोई नहीं। इधर इधर इस बस स्टैंड के पास एक बहुत फेमस घमंडी लस्सी था। हाँ, और ये भी उसको पी के आज जो भी हो, पहले वो घमंडी की लस्सी पीना घमंड एक रहता था कि भाई मैंने घमंडी की लस्सी पी है। अच्छा। अपने आप को वो समझता था। ऐसे कुछ चीजें ऐसी है हाँ। जो प्रेस्टीज देती है। इंदौर में दाल बाफले, दाल बाफले शुरू से चलता था। अच्छा। और खाना का इंदौर में चाहे समोसा हो, कचौरी का हो, आज यहाँ से भी हम कचौरी ले जाते हैं, आज भी ले जाते हैं। कचौरी इतनी फेमस है कि वहाँ भी मिलती, सब जगह मिलती है। आकर इंडिया में सब जगह कचौरी भी समोसा में, पर वो जो यहाँ है वो नहीं आ पाएगा। कपड़ा मार्केट, कपड़ा मार्केट से पहले शादी ब्याह में कपड़ा खरीदना एक शान समझता था कि मैं MT क्लॉथ मार्केट जो था, क्लॉथ मार्केट वहाँ से खरीदना मतलब शान समझता था। बर्तन बाजार, सराफा, सराफा में वो एक बोली लगती थी पहले, सट्टा थोड़ा चलता था। अच्छा। कि बाजार कहाँ बरसेगा, वो एक चीज़ यूनिक चीज़ है जो आजकल नहीं है। अभी होगा होगा सट्टा बाजार, पहले आप तो गवर्नमेंट को वो नहीं लेती ठीक से, नहीं तो पहले हर चीज़ में लगता था कि वो आदमी थैली में क्या लेके जा रहा होगा, तो उसे सट्टा लग जाता था। रीगल सिनेमा के पास पान की दुकान वाला था। अच्छा। माता दी पान वाला, वो इतना फेमस था कि आदमी ठंडी में जाए पान खाना उनका। इंदौर इन्फो की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।